शहर की जनता को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए आवश्यक उपाय योजना के संदर्भ में मनपा के विरोधी पक्ष नेता तानाजी वनवे, राष्ट्रवादी और शिवसेना के गट नेता की उपस्थिति में जिले के पालक मंत्री नितिन राउत को एक निवेदन दिया गया है। बीते दिनों से शहर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हुई है, साथ ही कोरोना से हर रोज 45 से 50 लोगों की मौतें हो रही है। इसलिए कुछ आवश्यक उपाय योजना के संदर्भ में पालक मंत्री नितिन राउत को मनपा विरोधी पक्ष नेता तानाजी वनवे, राष्ट्रवादी के गट नेता और शिवसेना के गट नेता की उपस्थिति में एक निवेदन दिया गया है। पालक मंत्री जी को आज हमारा कांग्रेस पक्ष के और शिवसेना के और राष्ट्रवादी के गट नेता जो है इनका एक शिष्टमंडल माननीय पालक मंत्री जी को मिला और उसमें हमने जो नागरिकों के तरफ से लॉकडाउन के संबंध में जो हमेशा व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो डिमांड आ रही है वो हिसाब से हम लोगों ने लोगों की भावना माननीय पालक मंत्री जी को बताई। सभी पक्ष के नेता लोग वहाँ थे, गट नेता, और पालक मंत्री जी ने कल डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में जो मीटिंग ली उसमें सभी अधिकारियों का, सभी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस, महानगर पालिका, पुलिस विभाग, सबकी राय उन्होंने ली। लॉकडाउन ये कोई पर्याय नहीं है, ऐसा सब लोगों ने वहाँ पे सब लोगों ने बताया। इस निवेदन में कोरोना की चेन को ब्रेक करने के संदर्भ में और कोरोना से हो रही मौतों को रोकने के लिए शहर में 7 दिन का लॉकडाउन, शनिवार रविवार को जनता कर्फ्यू, कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल व बेड की संख्या बढ़ाई जाए, ऐसी कई अन्य उपाय योजनाएं की जाए, ऐसा निवेदन पालक मंत्री राउत को दिया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।